हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज का सर्किट जो है ये वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे वोल्टेज को आप पा सकोगे और वोल्टेज जनरेट होगा लेकिन करंट कम होते जाएगा। और इसके लिए जो जो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगा वो है डायोड लेना होगा आपको और कुछ कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पर कैपेसिटर लगाना होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन करके मुझे हर तरफ एक अलग अलग वोल्टेज मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जितना डायोड है सबको पहले सीरीज में कनेक्शन करते हैं, उसके बाद कैपेसिटर जो है इस डायग्राम के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए डायोड को जो है ये वाला डायोड इसी को पहले सोल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जितना डायोड है सबको सोल्डिंग कर दिया और मेरा पास बहुत सारे ये कैपेसिटर और कंडेंसर है, यहाँ पर इसको भी जैसा डायग्राम है यहाँ पर इसी हिसाब से यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे, उसके बाद वोल्टेज चेंज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कैपेसिटर जो है कैपेसिटर को मैंने सोल्डिंग कर दिया, टोटली सर्किट कम्प्लीट हो गया। ये जो डायग्राम है इसके हिसाब से पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देंगे और जितना आउटपुट है यहाँ पर देखेंगे कि वोल्टेज डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, तो सप्लाई देते हैं यहाँ पर, फिर डिजिटल मीटर में इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर डीसी वोल्ट सप्लाई दे दिया, यहाँ पर 6 वोल्ट डीसी सप्लाई दे दिया मैंने, देखते कितना आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर 6 वोल्ट ही आ रहा है और मेरा जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है। और आप यहाँ पर 1000 PF अगर आप कैपेसिटर लगाओगे तो और अच्छा परफॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पर चेक कर दिया, यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट या 6.9 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 5.4 या 5.3 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, देखिएगा 5.7 लो आ रहा है वोल्टेज बहुत ही। तो यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर। तो मुझे कैपेसिटर चेंज करना होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे कि वोल्टेज थोड़ा सा भी इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, यहाँ पर फॉल्ट कहाँ पर है थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, तो फिर देखेंगे आपका कमेंट पढ़ के चेक करके और आपका नाम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।